सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय का फैसला पलटा। शाही परिवार त्रिवेणकोर को पद्मनाभ मंदिर का खजाना सौंपा, वही करेगा देखभाल। 31 जनवरी 2011 को केरल उच्च न्यायालय ने दिया था आदेश। राज्य सरकार ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का नियंत्रण लेने के लिए न्यास गठित करने का दिया था निर्देश। पाकिस्तान ने फिर से की वादा खिलाफी, लिया यू टर्न। हाफिज सईद और उसके 4 साथियों के बैंक खातों पर लगी रोक हटाई। टेरर फंडिंग के 2 मामलों में 11 साल की सजा काट रहा है हाफिज सईद, लाहौर की जेल में है बंद। संयुक्त राष्ट्र ने भी आतंकवादी किया है घोषित, 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है उस परिणाम। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार जद लगा सकती है कीटनाशकों के इस्तेमाल पर रोक, अमेरिका और यूरोप के अधिकतर देशों में पहले से ही है प्रतिबंधित। उद्योग जगत ने फैसले का किया विरोध, कहा जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। स्कूल प्रशासन ने बच्चों को बोला याद करो बांग्लादेश और पाकिस्तान का राष्ट्रगान, हंगामा होने पर फैसला लिया वापस। बच्चों को दोनों देशों के राष्ट्रगान का दिया गया YouTube वीडियो लिंक, पता चलने पर अभिभावकों ने किया मना। विदेशी छात्रों के वीजा रद्द करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का हो रहा विरोध, लोगों ने खड़े किए सवाल, मामला पहुंचा कोर्ट। फैसले के खिलाफ जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय ने खटखटाया अदालत का दरवाजा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और MIT जैसे प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान भी कर चुके हैं मुकदमा दायर। कश्मीर पहली बार नहीं मनाएगा डोगरा शासक के विरोध में मनाया जाने वाला शहीद दिवस, शेख अब्दुल्ला द्वारा घोषित किया गया था ये दिवस। 13 जुलाई को 1931 को डोगरा शासन के खिलाफ बढ़ता था विद्रोह, प्रदर्शन में 22 लोगों की हुई थी मृत्यु। ब्रिटेन ने थाईलैंड के नारियल पर लगाई रोक, बंदरों के वजह से लिया है ये फैसला, बंदरों से नारियल तोड़वाने का होता है काम। वन्यजीव सर्वेक्षण के लिए भारत को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में मिली जगह, सबसे लंबे वक्त तक कैमरे के जरिए वन्यजीव सर्वेक्षण के लिए मिला अवार्ड। पैदल सैनिकों की क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिकी रैवन हथियार खरीदेगी भारतीय सेना, किसी भी बिगड़ परिस्थितियों में हमले के लिए पूरी तरह होगी तैयार। लगभग सभी किनारों पर आया भारी संकट, कोरोना काल में मांगलिक कार्य न होने से फल और सब्जी बेचने को मजबूर हुए किन्नर। तनाव के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री ने अमिताभ और अभिषेक बच्चन के लिए किया ट्वीट, परिवार के जल्द स्वस्थ होने की कामना। लॉकडाउन पर यूपी सरकार ने लागू किया नया फार्मूला, अब हर शनिवार रविवार बंद रहेंगे बाजार। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के ह्यूमन रिसर्च डिप्लोमेंट के प्रेसिडेंट अजीम खान पठान और वॉइस ऑफ बड़ौदा द्वारा मंसूरी कब्रिस्तान बड़ौदा में वृक्षरोपण का एक सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें अल्ताफ भाई मंसूरी और मंसूरी पिंजारा समाज वेलफेयर कमेटी, मुमताज रावपुरा के कॉरपोरेटर फरीद भाई कटपीस वाला मौजूद रहे। मंसूरी पिंजारा वेलफेयर कमेटी द्वारा आज रोज तारीख 12/7/2020 ना रोज मंसूरी कब्रिस्तान हाथीखाना खाते एक वृक्षारोपण सुंदर आयोजन कर आयोजन में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ना अजीम पठान साहेब वॉइस ऑफ वडोदरा मुमताज मैडम तथा मंसूरी समाज अग्रणी हाजर रहा था। अने आ वृक्षारोपण प्रोग्राम ने सुंदर अने कामयाब बनाव्यो, आवेला तमाम साथियों हूँ खूब खूब आभार मानु छू अने तमाम लोगों ने एक संदेश पण आपू छू कि आप लोग पण आपना जीवन में वधु नहीं पण ओछामां ओछो एक वृक्ष वावी अने पर्यावरण ने शुद्ध बनावी, आपने दरेक स्वच्छ रहिए सुंदर रहिए एवी मारी आप सौने अपील छे।